देखिए बच्चों, हम आप लोग कक्षा 10 की हिंदी में आज हास्य रस के बारे में बता रहे हैं। जो कक्षा 10 में हास्य रस और करुण रस दो अध्ययन करना है, दो रस का अध्ययन करना है। इससे पहले कक्षा 9 में आप लोग श्रृंगार रस और वीर रस का अध्ययन कर चुके हैं। आपकी बोर्ड की परीक्षा में हास्य रस करुण रस से कोई एक ही 2 नंबर का पूछता है। इसमें कई बार ऐसा भी होता है कि केवल उदाहरण ही पूछ देता है और पूछ देता है कि प्रस्तुत उस उदाहरण में कौन सा रस है। तो सबसे अगर उदाहरण को पहचान लेते हैं तो वही सबसे आसान तरीका होता है कि तुरंत उसमें आप उस रस का नाम लिख लेते हैं। बहुत कम समय में आपको उतने ही नंबर मार्क्स मिलते हैं, 2 नंबर। आइए चलते हैं हास्य रस। हास्य रस परिभाषा है, किसी वस्तु या व्यक्ति का विचित्र असंगत, विचित्र या असंगत आकार, अजीब ढंग की वेशभूषा, बातचीत, चेष्टाएं अथवा वह उत्पटांग आभूषणों आदि को देखकर हृदय में जो विनोदपूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है उसे हम हास कहते हैं। यही हास जब विभाव, अनुभव तथा संचारी भावों के संयोग से रस रूप में परिणित हो तो हास्य रस होता है। आइए हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में प्रमुख उदाहरण कि विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महामुनि महाविनी नारी दुखा। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे गौतम तियतारी तुलसी शोकथा सुनी ए मुनि वृंद सुखारे है सब शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंजल तिहारे किन ही भलो रघुनायक जू करुणा करिकानन को पगधारे। इस उदाहरण में इसका स्पष्टीकरण करेंगे कि इसे अस्पष्ट हो जाए कि नहीं इसमें हास्य रस ही है। आइए इसका स्पष्टीकरण कर लें। आप जानते हैं जैसा कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, हास होता है अर्थात हंसी। दूसरा विभाव, विभाव में हम बताए थे पहले भी कि विभाव में आलंबन विभाव, आश्रय, उद्दीपन ये सब होता है। तो आलंबन विभाव जो है विंध्य के वासी तपस्वी हैं। आश्रय पाठक, उद्दीपन अहल्या की कथा का सुनना, अहल्या की कथा सुनना। ये कथा सुन चुके थे कि श्री रामचंद्र जी अहल्या पर पैर रखे थे तो वह सुंदर नारी बन गई थी, उसी के बारे में वर्णन है। और
श्री रामचंद्र जी इन पत्थर शिलाओं पर अगर वो आएंगे पैर रख देंगे तो सब सुंदर नारियां हो जाएंगे और हम सब का विवाह हो जाएगा। अर्थात राम के आगमन पर प्रसन्न होना और उनकी स्तुति करना कि उन्हें किसी प्रकार से वो आ जाएं। अगला है अनुभव, अनुभव करना। तो क्या करते हैं, वो हंस रहे हैं, हंसना, वो हंस रहे हैं, प्रसन्नचित हैं। संचारी भाव, स्मृति, चपलता, उत्सुकता आदि। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हैं इसके, जो कि परीक्षाओं में आते हैं और उनको आप देखते ही जान जाते हैं कुछ टिप से कि नहीं यह हासी रस है। जैसे प्रमुख इसका छोटा सा एक भाग रख रहे हैं, हंसी हंसी भजे देखे दुल्हे दिगंबर को, पाहुन जे आवे हिमाचल की छाँव में। ये शिव के विवाह का इसमें वर्णन है इस काम में। दूसरा है पूछत ग्राम वधूस यशो, कहाँ सांवर से सखी रावरो को है। यही आपका हास्य रस है। आपका इसमें नोट्स भी है, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं इसका, और अगले दिन आप लोग को हम करुण रस के बारे में बताएंगे। अपना अध्ययन जारी रखें और जो वीडियो आपकी जा रही है उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस पर लिखा रहता है कभी वीडियो भी जा रही है, तो जो ही सब्सक्राइब करेंगे तो आपका जो वीडियो है वह खुल जाएगा। इन बातों का आप ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ये कुछ बच्चे ये समझ रहे हैं कि इसका वीडियो आएगी, तो वीडियो नहीं है, उस पर एक लिखा लिंक जाएगा, जब उसको आप टच करेंगे तो आपका यूट्यूब चैनल जो विद्यालय का चैनल है वो खुल जाएगा। धन्यवाद।